हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल तारावती किचन्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं आलू की ऐसी चटपटी सब्ज़ी बनाने जिसे सुबह आप पूड़ी पराठा या बच्चों के टिफ़िन के लिए, लंच के लिए भी फ्रेंड्स इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है कि इसे बनने में बिल्कुल भी नहीं समय लगता, 7 से 8 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाएगी। और खाने में तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी होती है और चटपटी बिल्कुल मसालेदार चटपटी सब्ज़ी रहती है। तो एक बार इस तरीके से आप अगर नहीं बनाए हैं सब्ज़ी तो ज़रूर बनाएँ फ्रेंड्स। और वीडियो अगर अच्छा लगता है हमारा तो लाइक शेयर कमेंट करें, हमारी मेहनत आप सबको पसंद आती है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें फ्रेंड्स। तो वीडियो को हम देखिए शुरू करने चल रहे हैं। तो लहसुन, अदरक, मिर्च, 2 प्याज 2 टमाटर को हम काट लिए हैं, बारीक बिल्कुल काटे हैं। देखिए 6 से 7 आलू हमारी है मीडियम साइज़ की, उसे भी हम इस तरीके से काट लिए हैं, बॉयल कर लिए हैं आलू को। बॉयल करके हम छिलका उसका उतार के हम काटे हैं। देखिए देसी घी में हम बनाएंगे इस सब्ज़ी को, 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दिए हैं कढ़ाई में। घी को पिघलने देंगे, देखिए घी हमारा पिघल गया है। तो हम हींग डाल दिए हैं 1 पिंच, देखिए लहसुन को डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, 12 से 13 लहसुन की कलियां उसे बिल्कुल बारीक काटे हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है उसे भी बिल्कुल बारीक काटे हैं। देखिए जीरा डाल दे रहे हैं 1/2 टीस्पून, इसे भून लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें भून लेना है। फिर हम प्याज को डालेंगे, हल्का सा लहसुन को और प्याज, लहसुन और अदरक को रोस्ट होने देना है। देखिए अब हम प्याज को डाल देंगे, तो दो हमारी मीडियम साइज़ की प्याज है उसे हम बिल्कुल बारीक काटे हैं। तो देखिए बिल्कुल बारीक काटे इस प्याज को तो डाल दिए हैं। 1 हरी मिर्च है उसे हम डाल दिए हैं, उसे भी बिल्कुल बारीक काटे हैं। और प्याज को हमें उतना ही भूनना है, बस हल्का गुलाबी करना है हमें, बिल्कुल इसे ब्राउन नहीं करना है, बस गुलाबी करने तक ही भूनना है कि प्याज हमारी गुलाबी, हल्का गुलाबी आ जाए कलर उसमें, बस उतना ही हमें भून लेना है। तो चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, हम उसे बिल्कुल ब्राउन नहीं किए हैं। तो और आगे हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। ये देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें भी हम भून लेंगे अच्छी तरीके से प्याज के साथ। तो देखिए चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से, इन्हें भी भून लेना है। फिर हम टमाटर को ऐड करेंगे, 2 बारीक टमाटर काटे हैं बारीक बिल्कुल, मीडियम साइज़ के टमाटर हमारे थे पके हुए टमाटर, तो हम उन्हें बारीक काट लिए हैं, उन्हें डाल देंगे। ये देखिए डाल दे रहे हैं टमाटर को, इन्हें भी अच्छी तरीके से हमें मसालों में भूनना है। ये देखिए चलाते हुए भून ले रहे हैं, इन्हें हमें हल्का सॉफ्ट कर लेना है भूनते हुए, तो चलाते हुए भून लेना है ताकि ये कहीं पकड़े ना। इस तरीके से हमें भूनना है। ये देखिए टमाटर पहले से सॉफ्ट लग रहे होंगे, तो टमाटर पहले से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिए हैं और काला नमक डाले हैं, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से कम ही काला नमक डाले हैं, क्योंकि अभी हमें सफ़ेद नमक भी डालना है, तो उसी हिसाब से हम डाले हैं नमक को। तो चला दे रहे हैं, ये देखिए इसी तरीके चलाना है ताकि ये नीचे से कहीं भी ज़्यादा चिपके ना। तो अच्छी तरीके से हमें चलाना है। देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, मसाला भी हम डाल दिए हैं ये सब, अभी और मसाले हमें ऐड करना है। तो घी में आप सब्ज़ी फ्रेंड्स बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। देखिए ढेर सारी हरी धनिया डाल दिए हैं, क्योंकि हरी धनिया का फ्लेवर इसमें सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा लगता है, तो हरी धनिया आप ज़्यादा से ज़्यादा डालें। तो हम हरी धनिया डाल के चला दे रहे हैं और बनने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है ये सब्ज़ी फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करें इस सब्ज़ी को। देखिए आलू डाल दे रहे हैं, आलू को बॉयल करके हम काटे हैं, तो हम मसाला ऐड करेंगे इसमें। अभी हम चाट मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम काला नमक भी डाले हैं,
और स्वाद अकॉर्डिंग ही नमक को डालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नमक हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक रहता है, हम डाले हैं और काला नमक भी डाले हैं, तो नमक हमें उसी हिसाब से डालना है। तो हम भी गरम मसाला भी ऐड कर देंगे। देखिए चला दिए हैं अच्छी तरीके से, नमक स्वाद अकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं। देखिए मसाला डाल दिए हैं, गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, 1/4 चम्मच डाले हैं, क्योंकि सारे मसाले इसमें बहुत ज़्यादा मसाले पड़े हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा हमें मसाले नहीं यूज़ करना है। ये इतने से ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये देखिए चला दे रहे हैं अच्छी तरीके से, हम 2 से 3 मिनट और हमें पका लेना है चलाते हुए अच्छी तरीके से इसे। ये देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो सब्ज़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें, और बनने में तो देखिए बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, 6 से 7 मिनट के अंदर ये सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आप सब्ज़ी सुबह के लिए पराठा पूड़ी के साथ या लंच बॉक्स के लिए फ्रेंड्स बना सकते हैं। सभी को पसंद आने वाली सब्ज़ी एक बार अगर आप बनाएंगे तो सभी इस सब्ज़ी को पसंद करेंगे और सभी बनवाने के लिए आपसे बोलेंगे। तो इस तरीके से आप सब्ज़ी को आलू की बना सकते हैं। आलू की सब्ज़ी आप बहुत बार बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से आप ज़रूर से देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी का कलर, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय।